प्रयागराज में बुधवार को जिला प्रशासन और पीडीए की टीम कैंट इलाके की अतिक्रमणों को हटाने के लिए कछार पहुंची। बता दें कि पिछले कुछ सालों में कछार जमीन पर अतिक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। लगभग 300 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। पीडीए ने पुलिस बल के साथ कछार में किए गए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं पीडीए अधिकारी आलोक पांडे का कहना है कि जमीन पर किए गए अतिक्रमण का सर्वे किया गया था और अब तक सर्वे में 300 से अधिक निर्माण अवैध पाए गए हैं। पीडीए टीम के साथ प्रशासनिक अमला सभी अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। इसमें अगर एक जनरल उसमें देखा जाए, जो यहाँ लोग बता रहे हैं क्रय विक्रय किए हुए हैं, तो लगभग दो करोड़ का बीघा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 250 करोड़ 300 करोड़ के लगभग की ज़मीन की कीमत है। और इसमें लोगों से को गुमराह करके उनसे धनुगाही का कार्य के काम किए गए हैं और आगे कार्रवाई के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई संस्तुत की जाएगी कि इनको चिन्हित करके जो सरकारी भूमि अगर कब्जा हो तो उसके विरुद्ध भूमाफिया में चिन्हित करके गंभीर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए।